स्वयं ब्रह्मा तीनों से वृंदावन में प्रवेश करते हैं।
ऐसे जगह ब्रह्मा दीदी कृष्ण दासु राम सखा जब मेरी चोरी करे प्रथम तो तेरी माता का कल्याण सावधान ना तो दीदी ग्वाल वाला कहवे है गोरु जरा चे किंतु जब ना दीदी से कृष्ण दासु आज सखा दे के तेरी हरण करे और के हम तेरी पूछते बार ले निजे कृष्ण की बचे कोई ब्रह्मा लोग चली गए चे आज बोले दिए से दरवाजा के देखो आज देख ला हमारे मतलब किसी लोग को बोलते यदि हमारे मतलब के आसना भीतर करते दिए ना आज गोपी का की बचे कोई ब्रह्मा रूप में धारण कर सकने कोई इधर ब्रह्मा आसन बसे के चे आज जब हम सबसे सबसे ब्रह्मा आसन ना वो के दरवाजा के लिए लोग क्यों भी राज करा के माटी में करा करते तो तुम्हें बुला रहे कैसे चाहे हमारे ब्रह्मा तो भीतर बसे आजे लगे दो बार के आपका आसन का दल कर लो तो गोविंद का दूसरा सेट तो इन्हीं जगह पर कृष्ण सामने कृष्ण के इन्हीं मले अहो भाग्यम नंद गोप रजों बसा जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण की के इन्हीं पूर्ण दिल इन्हीं ब्रह्म दिल इन्हीं मले सनातन इन्हीं जगह पर कहीं से इसकी पूछते बच्चे भक्तो हे गोविंद चरण के नाम रख लिए जे भक्तो तार चरण क्षमा प्रार्थना के लिए कहिने ब्रह्मावदिनी हैं ब्रह्मावदिनी देखले भगवान को क्षमा कर ले इनी देखले तेरी हृदय तेरी तेरी क्षमा कर दी कहिने ब्रह्मा के वो कई नवदीप धाम ऐसे नवदीप धाम ताकि वो आश्रय करते हो जे जैसे ब्रह्मा तेरी प्रार्थना कर ले यदि आमी ब्रजेर बाहर जेहने छोटे जाति लोगों को नाश करे तादर घरे के सामने जगह अभी पाथर होई विद्या बने से वाली जदि से छोटे जाति का लोगरा मां के पाथर बन करे जदि पाटा रगड़ा है ना जदि तादर अभी धूल बेद वाली हमारे जीवन धन्य हो जाए के ले ब्रह्मा उद्धव उद्धव दीदी के कृष्ण नीचे बोलते हैं हे उद्धव तुम्ही हमारे जतो प्रिय एतो प्रिय हमार छलो नाही ब्रह्मा नाही हरि रचना नसी को नाही हमार भक्त सनसी लखियो नाही आज हमार भगवन का बलदेव प्रभु नाही आपी निजे जतो प्रिय नाही तुम्ही होले हमार जतो प्रिय से उद्धव दी की बचे से रज रज बाबा के दी रज वासी तेरे कृपा बाबा के से नाही त्रिना गुल्म औसत त्रिकर पे से वृंदावनी जन्म निवा प्रति की प्रार्थना करते उधर में मत करती सी ठाकुर जी देव देव महादेव इन गोपियों को धारण कर ले ते कृष्ण राम दर्शन कर अपने की गोपियों को धारण कर ले ये गोपियां की बात है वही छोटी मोटी धारण करना क्यों धरे बेरे कर दिए जाए माता आप लोग जो सी ठाकुर की तुम तुम्हारे कैसे तो पर पत्नी नाम की तुम्हारे सास की रहती ना तुम्हारे ससुर रहती ना हां सी तो भी बोल रहा सी में भी जी बोल रहा ना मैंने यही और नहीं कह रहे हो देते कहने सी से कहने की बात करते सी से कहने दरबार में काम करते तो ही बात काम करते के वसी ठाकुर कहने आज सी अनंत दे के सी महाविष्णु के बोल से ताराओ एक ब्रज मंडल प्रवेश करते लारे नी एक तो दुख हो ब्रज मंडल तब हम आनंद देव के लिए बोल रहे तब तो आपकी कृपा में जीती रहा हूं तो के कृपा में जीती रहा हूं ना जब तेरा के मन दुख रहा नहीं पर आप ही के प्रवेश करो बोले हां सही वृंदावन में प्रवेश करा ले की सरल उपाय आज से बोले की सरल उपाय आज से बोले जति के कोई प्रकार प्रेम का देवा के नहीं कली के सती ने मैंने गौरव हरिनी ऐ नवदीप धाम के लिए जन्म ग्रहण कर ले एवं नवदीप धाम के जन्म ग्रहण कर के नी हमारे श्री प्रेमानंद ठाकुर की बात से बोले के मान गौरवी नानानिया ए मान गौरवी नानानिया जाति की याद हरे हरे हे मा
तो वही कृष्ण विधि राधा ने विभाव अपर करने के लिए की कर रहे एक नव दिन था सारा प्रकट हो गए वही विधि की कर रहे जे प्रेम के ब्रह्मा सी जो दुर्लभ प्रेम के तारा लाला है तो वही प्रेम के तेरी की तो की कर रहे तेरी समस्त जाति पाति तेरी विचार ना करे तेरी मुक्त हस्त सवाय के शरीर प्रेम तेरी प्रदान कर रहे निताय गौर प्रेमानंदे परिक्रमा करे कोई दुर्लभ प्रेम विधि मना जदनी प्राप्त कर गए ऐसे आमादे अनंत अनंत कोटि सौभाग्य जे आमा श्री गुरु वर्ग करे आप बच्चे श्री नव दिन धाम में की करते श्री सत्यनंदन गौर हरि की ऐसे जे कलयुग दे साधारण दिवे करना चाहता सत्य चरणिया द्वापर युग की स्वर्ग देवता ग्रहण करने जा कलयुग के जन्म ग्रहण करे यही महाप्रभु धारा पे श्री प्रभुपाद धारा पे तारा अभिषिक्त हो गए हैं यही हरे कृष्ण महामंत्र अपना जप करके तारा यही मानुष रूप धारण करे तारा यही महाप्रभु धारा पे तारा आश्रय जाए यही ना अपना जो माला है तो बगल माला तीनों तो धारण कर जाते हैं ना अपना साधारण मन कर देना बुजुर्ग चंदो अपना साधारण नीचे के मन कर में तिलक माला बजाय धारण करे प्रभु का तो धारा ऐसे वैसे माला जब बच्चे साधारण व्यक्ति ना आप ये क्या बोलती ना एटा भागवत बोलते समस्त देवता आसक्त करता द्वापर युग द्वारा एक कलयुग के मानस रूप धारण करे एक प्रभु का धारा का अभिषिक्त होए तारा से दुर्लभ प्रेम पावा जने कलयुग में तारा सवारी जगते ताराओं के महाप्रभु धारा आसले ऐसे ना हमारे कोटि कोटि जन्म दुनिया के सुकून में फले आज के हमारा एक नव दिन धाम ऐसे महाप्रभु धारा का अभिषिक्त हो गया हमारा श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे क्या बोले ना राम राम जब तो खराब काम के लिए जीवा के ना
का एक परेशान काम करो जान है वैसी पैसा का के कोई व्यक्ति ये समस्त का समस्त पाप के नाम कोई करे हैं ऐसे नहीं वो नाम रे धीरेन्द्र का सी को माने की ये सब समय पाप के मध्ये दी रुबे खाके सब समय के पाप कर करते बोले के ना धीरेन्द्र का सुख बोले के ये तो दुष्ट बोले के ना कोई ये तो देखे के बोले तब का मारे में जो दुष्ट बुद्धि का आसे जहां तो ना वैष्णव जने आज अपराध होते ऐसे बन के यदि सुलो पानी समझ यदि वैष्णव निंदे तारो ना सजाए पाए शास्त्र के दे माने शिवेर में तो व्यक्ति यदि सही वैष्णव निंदा यदि केव करे तारो नाश हो जाए एकने चैतन्य महाप्रभु ने निकेर महाप्रभु ने कहा कर दी साधारण व्यक्ति पता चल जाए कहते ने अद्वैत सी है मां सच्ची के लिए एक रूप बोले दिए जब मन बड़ा चलती साधु हो जाए हां ईश्वर को जब साधु हो जाए कि अद्वैत आचार्य के संबंध में एक रूप प्रकार बोले चले केवल अद्वैत का द्वैत बन जाए केवल वो अद्वैत माने भगवान के आराधना है बस समय की केंद्र तत्व में जाके वो जो द्वैत हमारा बड़ा चलकर साधु वाली दे दो बड़ा चलकर साधु वाली कीजिए यदि सुख एक रूप के लिए बोले चाहे ऐसे महाप्रभु जब हम दीदी प्रेम दिखलना समय का तो प्रेम भी चाहिए तो मां सती के तरफ प्रेम भी चाहिए बोले मां सती के तरफ प्रेम भी चाहिए बोले वैष्णव और राधे कर दीजिए ऐसे ताकि हमें प्रेम दे ना ऐसे मां सती के वो ताकि के जैसे ताकि अद्वैत के चरण क्षमा प्रार्थना चाहिए तो लो ऐसे 10 प्रकार नाम अपराध दे सर्वप्रथम ने नाम अपराध लो वैष्णव अपराध यदि कोई वैष्णव चरण अपराध है तो मत कियावे तुम्हारी बुद्धि कोई खराब दिए जावे तुम्हारा बुद्धि भी वही पाप दिए जावे ऐसे सेखाने एक भी के देखे थे ऐसे सेखाने एक भी के देखे थे कि क्या थे तो ना वैष्णव अपराध ना दे ना करे भगवान ने चरण तुलस जब कादर खाने प्रवेश कर जे तो अंदर उन्मा को ही रचे बोले के तो सुंदर सुरभ मिलता के आप से बोले बैठो कर देगी बोले जान चरण तुलस ही चरण रे ये तो सुरभ की से तीन ही कब सुरभ की तरह ना हो तीन ही कब सुंदर ना हो हां बोले तू दर्शन करते जा बोले दर्शन कर जा तो क्यों जब हम चतुर्थ ऐसे में बैठो थे छह की तरह तो पार हो गए थे एकदम सप्तम दर्जे का पार हो जाए आज कोई समय जय विजय की कर सके रास्ता बंद कर दी मैं उठा क्या तो हां उलोभन होए कपड़े छोड़ की पड़ने उलोभन है बिना दाद दिया से उधर तक कर दो चैन करो यानी ए जब हम ये रास्ता रुके थे ना तो हमें जय विजय को ही पैसा का विचार किए थे बोले क्या हम वैकुंठ का माने की तेरे काम क्रोध डर भय कुछ नहीं आज कहता नहीं आमादेव का एकदम ब्रह्म ज्ञान दे के दर्शन करके के जिज्ञास का तो बोले जाओ तुम्हारे वैकुंठ का योग्य ही ना जाओ तुम्हारा से राक्षस जय में जाओ अगर कान्हा के अंदर तार को लग दीजिए अगर ठाकुर ऐसे थे जो देखो यदि तुम्हारा भक्त वही जाओ ना सात जन्म पर इन्हें आसो आज यदि हमारा शत्रु वही जाओ तो तीन जन्म पर इन्हें आसो बोल की बात जाओ बोले प्रभु हम तो तारा ही हमारे खाने चले जाते चाहे हो जाओ हमारे शत्रु हो जाओ तब हमारा तीन जन्म पर्यंत भगवान शत्रु तत्व हो गया प्रथम जन्म हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपु किसके जन्म रावण कुंभकर्ण तृतीय जन्म शिशुपाल आज दंतवत और चतुर्थ जन्म में तुम्हारा बोलेगा क्या बोले बोलो जटाई माधारी अभिलाष से है ऐसे नहीं तब भगवान भक्त चरण में अपराध करा जो मुक्ति हो लो ताकि के राक्षस से नाश कर लो एक ही बोल हिरण्य द्वितीय भी बोल कर ला प्रभात माने की जब प्राण माने प्रतिष्ठा रूप लाभ माने आनंद यदि सब समय आनंद खाके लेकिन कर सब समय अगर आनंद खाके बारो किवर खाके बारो यदि गुरु वैष्णव के कृपा है यदि वैष्णव के कृपा है तबे आमर आनंदे खाते बार को दुश्मन ने तो
ऐसे महाप्रकृता बिना कोत कर्म भक्ति नाए कृष्ण भक्ति पूरे रहो संसार नाए ऐसे साधु रूपे वैष्णव रे साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे अब लव मात्र साधु के सर्व सिद्धि आए ऐसे देखा नहीं प्रहलाद की कई और साधु कृपा की जरूरत क्या कर वो जगह है हमारे इंद्र एक प्रयास तो है नहीं क्या चीज जब हमारे एक दिन में कसूर तपस्या करते किए थे तो हम ना पे से के तो उठा नहीं जा चो बोले हमारे मन में बोले हम धारण भावना नहीं एक एक दिन में कसूर में की बिंदु हुआ था जिंदगी की बस है त्रिभुवन वाली कितनी विजय प्राप्त करे आज समय के पास कर दीजिए वो है छेले वाचे और पत्नी घर में भी छेले आते आज यदि ये छेले दिन आए ना बाप और छेले मिले मानो से हमारे यहाँ सौर्य खाते रहते ना ऐसे एक छेले के मेरे लिए हम कयान के छेले दो बोले जानो ये घर पे किया से बोले किया से बोले श्री भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज जी हमारा बोली ना श्री भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की इन वाले भक्त श्रेष्ठ की भक्तों बाधा विपत्ति ये लोग की भगवान भजन की सारे नीति केवल कोई प्रहलाद के पास अतः ये घर पे प्रहलाद महाराज आते एक एक केव मारते पार बना है तो हम आके नारद संगीता आश्रम में लिए जाए आज हिरण्य कश्यप जी 60,000 वर्ष तपस्या करे आज प्रहलाद महाराज के नहीं तो गए नारद जी कोई नहीं तो गए नहीं सुने चाहिए 60,000 वर्ष ऐसे शास्त्र बच्चे चुलया मंगल बिनापी न स्वर्ग न पुनर्भव भगवत भक्त संगस्य यदि एक लाभ यदि जीवन साधु संग्रह है तार सबसे स्वर्ग और ब्रह्म स्वरूप तो तार सबसे तुलना कर जावे ना और नारद संग भक्त यदि जो 60,000 वर्ष प्राप्त करे मने तो को कतोड़ भक्त आवे ऐसे में तीन जो नारद कृपा पावा थे की हो चे भगवान के पास में भक्त हो चे ऐसे बना नाम रखी हो चे प्रहलाद महाराज नाम हो चे हमारा बोली सवारी प्रत्येक कणी पर भगवान निवास आचे किंतु प्रहलाद महाराज एक अग्नि प्राप्ति पात्र कर दिए थे जब हम हिरण्य कश्यप जी का सिर बोल रहे कि तुम्हारा भगवान कोठा है प्रहलाद तो हम की बोले तुम ही बोलो हमारा भगवान कोठा है नहीं तो से बोलो बोले एक सवारी का दिन आचे इस तंबे में देते आचे बोले आने के देखते बाजी ठाकुर होगा कश्यप सास से बोले आने के देखते बाजी ना आमी कर नित्य राजा और देखो महा चंद्र मरे एक काम क्रोध लोभ मोह आचे एने तुम देखते बाचना ताके देखते गेले प्रेमान में सुनित भक्ति विलोम रे ये देखता है तब देखते जावे ले प्रथम में तुम्हारे भगवान के देखा और ताक में तुम्हारे देखा है तेरी का से को जो स्तंभ पर दिखलो ताक में तुम्हारी भुष्टि का धातु मिले छे जेना भुष्टि का धातु मिले छे की होय छे ओई खंभ की फेंके के से माने साक्षात ऋषि का देव प्रकट होय छे ऋषि सिंह भगवान की एक बार तात्र में एक मां नाम युद्ध होय छे युद्ध होतो तो ठीक के नाम संध्या समय कैसे थे जेने को में का बीड़ा इतना इंदु के धरे शेर को मारे धरे की कोई देने में न दे सके थे देने का लक्ष्य की बोले कोई देने की बात नहीं की बोले ऐसे दिन वो गंजा का आचे ऐसे ले चे हाँ तुम्हारे की बोले क्या ऐसे हाँ की बोले ऐसे बोलते बात का मामला ऐसे तेरी देने में न दे सके थे जेठा घर के बाहर रखना जेठा घर के भीतर नहीं आप जो कोई जंगल ऊपर भी आप जो कट तो कटे रहते ऐसे रहे थे आप जो जंगल ऊपर रहते दिए थे आज जब हम मारते जाते ना तो हमें देर के रसूल बोलते दुनिया के मारते वाले ना लेके ना बोले ब्रह्मा ते क्या हमें अनेक वरदान दिए थे बोले बोलो की वरदान दिए थे बोले आकाश को मरो मरो ना आज पृथ्वी ऊपर मरो ना बोले भालक के देखो तुम आकाश को नहीं तुम पृथ्वी पर भी हमारे जंगल पर आते बोले तत्व मात्र का बना लेके ना बोले अनेक ब्रह्मा के वरदान दिए थे मारा समस्त रास्ता तो बंद कर दिए बोले की बोले जो बोले आमी कोन मासेर का दुमार मर बना बोले मने भालक के देखो इधर कोन मासेर का देना है एका वो पुरुष का होना एका वो अधिक मल मास बोले तत्व मात्र
दूर कर दिए। ऐसे हमारा आज के ऋषि के जगत का से प्रार्थना करी हमारे भक्ति जगत में जो दुख करता है जाते दूर हो जाए और धीरे धीरे हमारे जाते से ही गौर प्रेम को प्राप्त करे ये जीवन के जाते हमारा धन्यवाद धन्यवाद भाई। हम यही बोली कथा के नाम विश्वास जी हमारे घर ब्रह्मा रजनी हमारे से आशीर्वाद सवाई के हमारे श्री ब्रह्मा रजनी पांचा कल प्रदर्शन करवा दे।